हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी की जो सेवन्थ क्लास की बुक है उसका सेकंड चैप्टर है इनसाइड द अर्थ। तो इनसाइड द अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं हम लोगों को, वो सब चीज़ आज हम इसमें कवर करेंगे। और जो अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स जो हैं, वो हम प्रीवियस क्लास के अंदर मतलब सिक्स क्लास में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी विचार किया है कि जो हमारी अर्थ है वो किस चीज़ से बनी हुई है? जैसे अर्थ का जो सरफेस है उस पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? सोयल। जो अर्थ का सरफेस किससे मिलकर बना हुआ है? सोयल से, मिट्टी से। तो क्या हम अर्थ के अंदर जब जाते हैं, होल करते हैं, जब अर्थ के अंदर डीप जाएंगे हम लोग, तो क्या हम लोगों को ये सिर्फ सोयल ही देखने को मिलती है या इसके अलावा कुछ और मिलेगा? तो अब वही स्टडी करना है हम लोगों को। जो हमारी अर्थ है उसका जो इंटीरियर है उसको हमने किस में डिवाइड कर रखा है? लेयर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, या फिर डिवाइड वो लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। ओके, किस में डिवाइडेड है? वो लेयर्स में। आपने ओनियन तो सभी स्टूडेंट ने देखा होगा, शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने ओनियन ना देखी हो। तो जैसे ये ओनियन आपको नज़र आ रही है ना, इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स हैं, जैसे वन लेयर हो गई, टू लेयर, थ्री लेयर, फोर लेयर, फाइव लेयर, ये सिक्स लेयर। तो ये क्या है? लेयर्स हैं। किसकी? ओनियन की। तो सेम एज इसी प्रकार से जो हमारी अर्थ है वो भी किस में डिवाइडेड है? लेयर्स में डिवाइडेड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लेयर्स इसके अंदर दे रखी है उतनी ही लेयर्स अर्थ के अंदर है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि एज ए ओनियन, ओनियन की तरह ही हमारी अर्थ के अंदर भी क्या पाई जाती हैं? लेयर्स पाई जाती हैं। तो कौन कौन से लेयर और कितनी लेयर है उनके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो जो हमारी अर्थ है उसको मेनली हमने तीन लेयर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कौन कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। इमेज के अंदर दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो ये टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। उसके जो क्रस्ट के नीचे जो लेयर पाई जाती है दैट इज मेंटल। एंड जो इनर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? कोर। ओके, आपकी बुक के अंदर सिर्फ हम फिलहाल अभी क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन तीन लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब नेक्स्ट क्लासेस के बारे में, जब आप नेक्स्ट क्लासेस में मतलब 8th, 9th, 10th में आप स्टडी करेंगे, तो आपको कोर को टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हो गया कोर, इनर कोर, आउटर कोर, सेम एज जो मेंटल होती है, अगेन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये भी टू लेयर्स में डिवाइडेड है। तो वो आपको सब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखने को मिलेगा। और ये लिथोस्फीयर है, ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, जब हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर यूज़ करते थे, तो ये वर्ड जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर वगैरह जब हम यूज़ करते थे, तो ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ हो रहा था। तो अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। वैसे आपकी बुक में इस टाइम नहीं दिया हुआ है लिथोस्फीयर के बारे में कि लिथोस्फीयर क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होते हैं, ये आपको यहीं पढ़ने को मिलेगा। तो अर्थ की लेयर्स को, सॉरी, अर्थ के इंटीरियर को हमने मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? तीन लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट होती है वो टॉप मोस्ट लेयर, मतलब सबसे जो ऊपर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्या बोलते हैं उसको? दैट इज क्रस्ट। इट इज़ द थीनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। जो तीन लेयर्स है सभी लेयर्स के अंदर क्या होती है? ये सबसे थीनेस्ट है, सबसे पतली लेयर है। और इसकी मोटाई कितनी है? लगभग 35 किलोमीटर। जब हम अर्थ के अंदर होल करते हैं, गड्ढा करते हैं, अर्थ के सरफेस पे गड्ढा करते हैं, तो 35 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट जाने के बाद हमारी जो क्रस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। फिर कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है? मेंटल। तो इसकी मोटाई कितनी है? ओनली 35 किलोमीटर। और जो हमारी अर्थ की रेडियस है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है? अप्रोक्सीमेट है 6400 किलोमीटर। कितनी है? 6400 किलोमीटर अप्रोक्स। तो उसके अंदर आप एज्यूम करो, देखो 35 किलोमीटर, तो उसके शायद 6400 किलोमीटर में, किलोमीटर में 35 किलोमीटर जो है वो तो बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। तो इसलिए इसको क्या बोला है? थिनेस्ट लेयर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थिनेस्ट लेयर है। और ये तो थिनेस्ट लेयर 35 किलोमीटर है, ये कहाँ पर है? कॉन्टिनेंटल मासेज पर है, जहाँ पर कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं ना, वहाँ पर है 35 किलोमीटर। और ओशियन के फ्लोर पे तो क्रस्ट की जो डेप्थ है कितनी है? ओनली 5 किलोमीटर। अब ये कॉन्टिनेंट फ्लोर और ओशियन फ्लोर क्या होते हैं? जैसे अब हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर 6th क्लास में शायद मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉन्टिनेंट और ओशियन जब हमने पढ़ा था, तो ये जैसे इमेज के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये देखो इधर क्या, ये कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर आपको कॉन्टिनेंट के जो लैंडफॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, और इधर क्या है? ये ओशियन है। तो जो ओशियन का मतलब हो गया कि ये जो ओशियन का फ्लोर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्टिनेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका फ्लोर जो है, तो
इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, ये देखो ये ज़्यादा कितनी ज़्यादा है यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या, ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, क्रस्ट और मेंटल के जो बीच का डिवाइड है, मतलब यहाँ तक क्रस्ट है और इसके जो येलो वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है नीचे, ये क्या है, मेंटल है। तो ये देखो कॉन्टिनेंटल फ्लोर जो है इसकी डेप्थ ज़्यादा है यहाँ तक है, अप्रोक्सीमेट कहीं पर भी आप देख लीजिए। तो ये कह रहा है कि ये कितनी है, 35 किलोमीटर। और जो ओशियन फ्लोर है ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है और इसकी डेप्थ बहुत कम है, तो ओशियन फ्लोर की डेप्थ कितनी है, 5 किलोमीटर। अब ओशियन की डेप्थ का मतलब ये नहीं कि आप ओशियन के सरफेस से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे, जो वाटर लेवल है वहाँ से नहीं, ओशियन सरफेस, अर्थ का सरफेस तो वहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर वाटर ख़त्म होता है नीचे, ओके। अर्थ जो सी का फ्लोर है, जहाँ पर समुंदर का जो फ्लोर है जहाँ पर वाटर भरा रहते हैं, तो उस फ्लोर से हम स्टार्ट करते हैं और कितनी डेप्थ है अप्रोक्सीमेट, 5 किलोमीटर। जब समुद्र के फ्लोर से या ओशियन फ्लोर से जब आप डेप्थ में जाएंगे तो कितना, 5 किलोमीटर जाने पे हमारी लगभग जो लेयर है क्रस्ट वो ख़त्म हो जाती है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस पॉइंट को नोट करके रखना है, याद करके रखना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम लावा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ना, वोल्केनिज्म के बारे में, तब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा आप लोगों को, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ओके। तब मैं दोनों वर्ड्स अगेन यूज़ करूँगा कि जो कॉन्टिनेंटल मास है हमारा, जो कॉन्टिनेंटल फ्लोर है वो कितना डेप्थ है, उसकी डेप्थ कितनी है, 35 किलोमीटर, और जो हमारा ओशियन फ्लोर है उस पर क्रस्ट के लेयर की डेप्थ कितनी है, 5 किलोमीटर, ओके। तो क्रस्ट के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया आपका। क्रस्ट क्या होता है, थिनेस्ट लेयर ऑफ, सबसे थिनेस्ट लेयर है सभी लेयर्स के अंदर, और इसकी डेप्थ अप्रोक्सीमेट 35 किलोमीटर है कहाँ पर, कॉन्टिनेंट पर, और 5 किलोमीटर कहाँ पर, ओशियन फ्लोर पर, ओके। अब जो कॉन्टिनेंट है इसका, जो कॉन्टिनेंट फ्लोर है उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, जो कॉन्टिनेंटल मास है या फिर कह सकते हो जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। वो किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसी को क्या बोलते हैं, सियाल शॉर्ट फॉर्म के अंदर। सिलिका के जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं इसको हमने लिख लिया SI, और एल्यूमिनियम के फर्स्ट टू लेटर इसको लिख दिया AL, ये क्या बन गया, सियाल, ओके। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सियाल, सियाल का मतलब SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। तो कॉन्टिनेंटल फ्लोर किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। सेम एज जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है, जो ओशियनिक फ्लोर है, ओशियनिक क्रस्ट है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से। किससे मिलकर बना है, सिलिका और मैग्नीशियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है इस चीज़ के बारे में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमा। दोनों का जो फर्स्ट वर्ड है उसको, फर्स्ट वर्ड है उनको यूज करो, फर्स्ट टू वर्ड्स को, इससे हो जाएगा सियाल से SI और इससे हो जाएगा मैग्नीशियम से MA, तो क्या बन गया, सीमा। उसको इसको क्या बोलते हैं, सीमा। तो कॉन्टिनेंटल फ्लोर सियाल, ओशियन फ्लोर या ओशियन क्रस्ट सीमा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल, ओशियन क्रस्ट सीमा, क्लियर। ये क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं, देखो एल्यूमिनियम सीम, ये क्या है, मिनरल्स ही तो है। तो अगर आपसे पूछता है कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कौन से मिनरल से मिलकर बना हुआ है, तो सियाल वर्ड आपने याद रखना है, सियाल से सिलिकॉन, सॉरी सिलिका, और उससे AL से एल्यूमिनियम, ओके। आप देखते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेंटल के बारे में। एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट से हमने अभी किसके बारे में पढ़ा है, फर्स्ट लेयर कौन सी थी, क्रस्ट, ये देखो ये दिख रही है आपको। क्रस्ट से जो नेक्स्ट लेयर पाई जाती है वो कौन सी है, मेंटल, और उसकी डेप्थ कितनी है, अप्रोक्सीमेट 2900 किलोमीटर, और कहाँ पर पाई जाती है, क्रस्ट के नीचे पाई जाती है। तो मेंटल की डेप्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर, और कहाँ पर पाई जाती है, ब्लो द क्रस्ट। अब मैं एक अलग से इमेज बना देता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है हमारी, ये इसकी टॉप मोस्ट लेयर बना दी हमने, ओके। ये कौन सी है, क्रस्ट, और उसके अंदर जो ये पाई जाती है ये कौन सी बीच की लेयर हो गई एक, दैट इज मेंटल, और जो इनर लेयर है ये कौन सी है, कोर,
ओके तो क्रस्ट जो है ये है, इतना पोर्शन क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है? मेंटल। और इसकी लेफ्ट कितनी है? अप्रोक्सीमेट 2900 किलोमीटर। ओके 2900 किलोमीटर जो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है मेंटल। और कितना ये? 2900 किलोमीटर। इसके कंपेयर में अब आप देख सकते हो कि क्रस्ट की जो डेप्थ है वो कितनी थी? ओनली 35 किलोमीटर, वो भी कॉन्टिनेंटल मास पर या फिर कॉन्टिनेंटल फ्लोर पर। इसलिए उसको क्या बोला था? थिनेस्ट लेयर। सभी लेयर्स के अंदर क्या बोला था उसको? थिनेस्ट लेयर, क्योंकि उसकी जो डेप्थ है वो ओनली 35 किलोमीटर थी। कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल फ्लोर पर, और ओशियन फ्लोर पर ओनली 5 किलोमीटर थी। और उनको क्यों बोला गया था थिनेस्ट? आप इससे कंपेयर करके देख सकते हो उसकी लेयर को, इसलिए उसको थिनेस्ट लेयर बोला गया था। तो ये था मेंटल। अब वैसे आपकी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मेंटल को भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसको भी फर्दर अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। बट इसके अंदर आपके में इतना ही दे रखा है कि नेक्स्ट लेयर कौन सी है? मेंटल है। और उसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर तक जाती है ये क्रस्ट के बाद। और किसके नीचे आती है? क्रस्ट के नीचे, ओके, बिलो द क्रस्ट। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? कोर। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? ये आपको रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से ये पूरी लेयर, ये कौन सी है? कोर। और ये जो लेयर दिखाई दे रही थी इससे ऊपर येलो वाली, दैट इज मेंटल। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोर। और इसकी रेडियस कितनी है? अबाउट 3500 किलोमीटर। कितनी है? 3500 किलोमीटर। और जो इसका जो कोर है, मतलब जो इनर मोस्ट लेयर है हमारी, वो किससे मिलके बनी हुई है? इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल और आयरन। किससे मिलके बनी है? निकल और आयरन से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निफे। निकल के जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज Ni, और अब आप सोच रहे होंगे आयरन के तो IR है, बट यहाँ पे Fe लिखा हुआ है। बट ये जो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आई थिंक, तो वो लिखा हुआ है निकल, क्या बन गया? निफे। क्या बोलेंगे इसको? निफे। ओके तो क्या बन जाएगा? जो अर्थ की इनर मोस्ट लेयर है, मतलब जो कोर है हमारी, वो किससे मिलके बनी हुई है? निकल से और आयरन से। उसको क्या बोलते हैं? निफे। ओके और इसकी डेप्थ कितनी है? 3500 किलोमीटर। कितनी है? 3500 किलोमीटर। तो और अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट जो आपकी बुक में दे रखी है वो है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर, ओके 6371 किलोमीटर। अब लिथोस्फीयर है आपकी बुक के अंदर, तो देखो लिथोस्फीयर के बारे में दे नहीं रखा है, बट मैं जरा सा सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ लिथोस्फीयर क्या होता है। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, मतलब क्रस्ट, और उसके जो नीचे ये मेंटल होता है, इसका जो कुछ अपर पोर्शन होता है, ये दोनों मिलके किसकी फॉर्म करते हैं? क्या फॉर्म करते हैं? लिथोस्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं फिर कभी आगे जब आपकी नेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा ये टॉपिक आएगा तब वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस मैंने आपको समझने के लिए बता दिया ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कि जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है, मतलब क्रस्ट, और जो मेंटल का टॉप मोस्ट लेयर है, मेंटल का जो टॉप लेयर है, ओके, ये दोनों मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? लिथोस्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं। तो अर्थ की 3 लेयर्स के बारे में आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। क्रस्ट की जो डेप्थ तो 35 किलोमीटर है, मेंटल की 2900 किलोमीटर है, और कोर की 3500 किलोमीटर है। और तीनों लेयर्स, जो दोनों लेयर्स हमने पढ़ी थी, किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है? जो इनर मोस्ट लेयर है कोर है, वो किससे मिलकर बनी हुई है? निकिल और आयरन से। ओके अब अर्थ की रेडियस के बारे में भी हमारा हो गया। अच्छा ये कह रहा है कि जो अर्थ की क्रस्ट है, जो हमारी क्रस्ट है, वो ओनली 1% है हमारी टोटल अर्थ के वॉल्यूम का। ये आपके बुक में दे रखा है, डू यू नो के हैं उसमें करके दिए होते हैं। 1% है ना जो अर्थ के वॉल्यूम का, वो कौन है? क्रस्ट। अर्थ की वॉल्यूम का, इस पूरी अर्थ है, इसका वॉल्यूम का अगर हम बात करें, इसकी वॉल्यूम का, तो 1% कौन है? क्रस्ट। और 84% कौन है उसमें से? मेंटल। तो आप देखते हो मेंटल का शेयर कितना ज़्यादा है, सबसे जो ज़्यादा शेयर किसका है इसके अंदर? मेंटल का। ओके और ओनली 15% अप्रोक्सीमेट कौन है? कोर। अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, कि जब हम अर्थ के सरफेस, जो हम बात कर रहे हैं कि अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी बताई मैंने, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6400 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट 64, मैं अप्रोक्सीमेट ही लेके चलता हूँ इसको, 6400 किलोमीटर।
तो अभी तक जो हमारे साइंटिस्ट है ना वो अर्थ के सरफेस के ऊपर ओनली 4 किलोमीटर डीप माइन ही कर पाए हैं। 4 किलोमीटर जैसे हम गड्ढा करते हैं ना समरसिबल के लिए बोरिंग वगैरह करते हैं, तो सेम इसी प्रकार से जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो सिर्फ अभी तक कितना 4 किलोमीटर ही गहरा खोद पाए हैं, माइंस खोद पाए हैं इसके अंदर मिनरल्स की सर्च में, मिनरल्स वगैरह को खोजने के लिए ओनली 4 किलोमीटर डीप गहराई गड्ढा किया। वो कहाँ पर पाया जाता है, साउथ अफ्रीका के अंदर है वो। अगर अर्थ के सरफेस पे अभी तक जो सबसे डीपेस्ट होल है या फिर डीपेस्ट होल जो किया गया है माइनिंग के पर्पज से, या डीपेस्ट माइनिंग है अभी कह सकते हो डीपेस्ट माइनिंग, वो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर। और ऑयल वगैरह परचेज करने, सॉरी ऑयल निकालने के लिए अर्थ के श्याम जो, क्योंकि जो हम ऑयल वगैरह कहाँ से निकालते हैं, अर्थ से ही तो निकालते हैं इसके अंदर ड्रिल करके। तो ऑयल को निकालने के लिए जो इसके अंदर हम लोगों ने होल किया है, जो अभी तक पूरे वर्ल्ड के दुनिया के इंजीनियरों ने इसके अंदर होल किए हैं, वो कितने हैं, कितनी डेप्थ तक किया है, 6 किलोमीटर तक। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि ऑयल वगैरह फाइंड करने के लिए ऑयल अर्थ के अर्थ में से, अर्थ के इंटीरियर से ऑयल निकालने के लिए हम लोगों ने कितना डीप अभी तक होल किया है इसके अंदर, तो 6 किलोमीटर। और अभी तक वर्ल्ड की दुनिया की डीपेस्ट माइनिंग की बात करें तो वो कौन सी है, वो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर, और उसकी डेप्थ कितनी है, 4 किलोमीटर। कितनी है, 4 किलोमीटर। आई होप आपका ये सब हो गया होगा। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो अर्थ की रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है और हम अभी तक सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही गड्ढा कर पाए हैं इसके अंदर, और ऑयल निकालने के लिए 6 किलोमीटर तक ही इसके अंदर अभी तक अर्थ के भी अंदर हम पहुंच पाए हैं। तो इसके सरफेस तक तो पहुंचना वैसे इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके अर्थ के सरफेस पर जो इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है वहाँ पर हाईएस्ट प्रेशर, मतलब जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो वेरी हाई होता है। कहाँ पर, जो ये आपको रेड जोन दिखाई दे रहा है ना, रेड एरिया, यहाँ पर क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, वेरी हाई। इस वजह से इसके सेंटर तक तो पहुँच पाना इम्पॉसिबल है, पहुँच ही नहीं सकता कोई वहाँ पर, तो इतना हाई टेम्परेचर है वहाँ पर। वैसे अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 6 किलोमीटर ही इसकी डेप्थ के अंदर हम होल कर पाए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो मैक्सिमम 1-2 किलोमीटर और अंदर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाएंगे अर्थ के अंदर हम। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा हमारा। अब हम बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, अभी हमने अर्थ की 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से मिलकर बनी होती है। किससे, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स से मिलकर बनी होती है। और ये रॉक्स क्या होती है, नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। आपको पता है हमारी अर्थ के अंदर क्या काफ़ी अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं का जो मिनरल्स का नेचुरल मास है, मतलब प्राकृतिक पिंड, अब जैसे कि कोई भी मिनरल्स हो गया, ये काफ़ी अमाउंट में यहाँ पे इकट्ठा हो गया, दैट इज़ नेचुरल मास। किसका है, ये मिनरल्स का, क्या ये नेचुरल मास है मिनरल्स का, और इसी को क्या बोलेंगे, रॉक। इसको क्या बोलते हैं, रॉक्स। और ये रॉक्स ही क्या करती हैं, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट की फॉर्मेशन करती है। इन्हीं से मिलके तो हमारी अर्थ की क्रस्ट बनती है। जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसका नाम क्या है, क्रस्ट। और वो किससे फॉर्मेशन होती है उसकी, रॉक्स से। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पाई जाती हैं। तो मेनली इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में हमें स्टडी करना है। 3 टाइप्स की रॉक्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो क्या होती है इग्नियस रॉक्स, देखो, जब मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। अब मोल्टन मैग्मा क्या होता है, अभी हमने आपको एक इमेज दिखाई थी, पढ़ाया था तब, ये देखो जो मेंटल है, ये मेंटल के अंदर आप लोगों को ये येलो कलर का जो मटेरियल नज़र आ रहा है, ये क्या है, मैग्मा। ये क्या है, मैग्मा। ये जो दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये क्या है, मैग्मा। और जब ये मैग्मा इस अर्थ से बाहर निकलता है वोल्केनिक फॉर्म में, वोल्केनिक इरप्शन होता है, इसका आपने क्या करना है, गूगल पर सर्च करना, वोल्केनिक इरप्शन के नाम से कोई वीडियो मिलेगी, आप उसमें देखना कि वोल्केनो जब फटता है तो मैग्मा अर्थ से किस प्रकार से लावा वो किस तरह उससे बाहर निकलता है। ओके, ये चीज़ आपने गूगल पर सर्च करके देखनी, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है लावा। जब ये अर्थ इसके अंदर, इसको मैग्मा बोलते हैं, जब फट के बाहर निकलता है उसको लावा बोलते हैं। जब ये मैग्मा, सॉरी वोल्केनो फटता है तो ये लावा अर्थ से बाहर निकलता है, क्या होता है, अर्थ से बाहर आता है और आके क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द मोल्टन मैग्मा कूल्स, मोल्टन मैग्मा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इट बिकम सॉलिड। और ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा वो।
और उसी से क्या होती है, रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, और उस रॉक्स को क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स पता चल गया आपको क्या होता है। अब ये मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ये इसके अंदर यहाँ पे ये देखो लावा भरा हुआ है, ओके ये लावा है जो मैंने अंदर की साइड डॉटेड डॉटेड लाइन डाली है। अभी लावा क्या करेगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा कहीं पे, तो ये यहाँ पे वोल्केनो फटेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये मैग्मा लावा के फॉर्म में अर्थ से बाहर निकल जाएगा। ओके जब ये निकलेगा तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये ठंडा हो जाएगा, अभी तो लिक्विड फॉर्म में था ये, मेल्टेड था, ओके कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और इसी से क्या हो जाएगी, रॉक्स की फॉर्मेशन क्या बन जाएगी, कि रॉक, और इसको क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। जो इस तरीके से जिस रॉक की फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। ओके तो इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक आपका क्लियर हो गया, और इग्नियस रॉक्स होती है इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स। अगर आपसे पूछे प्राइमरी रॉक्स क्या होती है, तो इग्नियस रॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि सबसे पहले किस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, किस रॉक की फॉर्मेशन होती है, इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। अब देखते हैं जो इग्नियस रॉक्स होती है, यह भी टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। देखो जो ये लावा है, जो अर्थ के अंदर से जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब लावा बाहर निकलता है, तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को कि लावा अर्थ के अंदर आता कहाँ से है, इसकी फॉर्मेशन अर्थ के अंदर कैसी होती है। देखो जो वोल्केनिक इरप्शन है ये होते रहते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर। तो इंडिया के अंदर आप लोगों को सर्च करना कि इंडिया में भी कहीं पर वोल्केनिक इरप्शन होता है क्या, ओके। उसके अलावा वर्ल्ड में काफ़ी जगह पर वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं और ये लावा अर्थ में से बाहर निकलता रहता है। तो ये लावा अर्थ के अंदर आता कहाँ से है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में हम अब डीप से स्टडी करेंगे फ्यूचर के अंदर, नेक्स्ट क्लासेज में, या फिर कभी अगर हो सकता है आपकी एनसीईआरटी में आएगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज मैं एक सेपरेट वीडियो भी इन पे अलग से बना दूंगा, ओके। अब बात करते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो इग्नियस रॉक्स होती है, जो इग्नियस रॉक्स टू टाइप्स की होती है, इंट्रूजिव रॉक्स और सेकेंड आई है एक्सट्रूजिव रॉक्स। दूसरी कौन सी है, एक्सट्रूजिव रॉक्स। तो इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स क्या होती है और एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। अब देखो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स क्या होती है, एक्सट्रूजिव का मतलब होता है आउटसाइड, इसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड। एक्सट्रूजिव का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड, और इंट्रूजिव का मतलब इनसाइड, इन मतलब इनसाइड और एक्स मतलब हो गया आउटसाइड, बस आप ये समझ लो, इंट्रूजिव आउटसाइड, सॉरी एक्सट्रूजिव आउटसाइड, इंट्रूजिव इनसाइड। तो जब मोल्टन में जो ये मोल्टन लावा होता है ये अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है, अर्थ के सरफेस पर आ जाता है और वहाँ आकर ठंडा हो जाता है। अर्थ के सरफेस पर आकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो उससे जो रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, जिस रॉक की फॉर्मेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। अब एक इमेज की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ये क्या है, मैग्मा है। अब ये एक वोल्केनिक इरप्शन होगा, इधर से ही फटा और ये क्या हो गया, लावा बाहर आ गया। ये देखो आपको जो रेड रेड एरिया दिख रहा है ये, और ये बाहर आकर क्या हो गया, अर्थ के सरफेस पर आकर ठंडा हो गया, और ये क्या हो गया, इधर रॉक की फॉर्मेशन हो गई। जो ये रेड मैंने अभी इस पर लाइन की है, ये रॉक की फॉर्मेशन हो गई। तो ये कैसी रॉक है, एक्सट्रूजिव, ओके ये कैसी रॉक है, एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक। क्यों, क्योंकि जो मैग्मा है पहले अर्थ के सरफेस पर आया, ये लावा अर्थ के सरफेस पर आया, अर्थ के सरफेस पर आकर कूल हो गया, ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया, इससे एक रॉक की फॉर्मेशन हो गई, और इसी रॉक को क्या बोलेंगे, एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक, ओके। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये जो लावा अर्थ के सरफेस पर नहीं पहुँच पाता है, इस लावा ने यहाँ से निकलना स्टार्ट किया, ये देखो इधर जा रही है, इधर निकलना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर आके रुक गया, सरफेस यहाँ तक था, सरफेस पर नहीं पहुँच पाया, यहाँ पर रुक गया आके, आगे नहीं अर्थ के सरफेस पर ये नहीं पहुंच पाया, ओके। और यहीं पर क्या हो गया, ये ठंडा हो गया और कूल होकर यहाँ पर क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया। यहीं पर दिख रहा है आपको ये इमेज, यहाँ पर अभी कूल होकर यहाँ पर क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो ये एक रॉक की फॉर्मेशन हो गई, यहीं पर ये एक रॉक की फॉर्मेशन हो गई। ये रॉक आपको दिखाई नहीं दे रही अभी, ये रॉक अर्थ के अंदर है, कहाँ पर, ये अर्थ के सरफेस के अंदर है, ओके। अब ये वाली जो एक्सट्रूजिव थी ये तो अर्थ के सरफेस पे थी, हम लोगों को दिखाई दे रही थी, बट ये जो क्या है, अर्थ के अंदर है, हमें दिखाई नहीं दे रही, अर्थ के अंदर है, लेकिन ये
जो मैग्मा था यहीं पे कूल हो गया, ठंडा होकर सॉलिड हो गया और एक रॉक की फॉर्मेशन हो गई। इसको बोलते हैं इंट्रूजिव इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर ही कूल हो जाता है, वहीं पर सॉलिड हो जाता है और उससे जो रॉक की फॉर्मेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन ठंडा हो जाता है। ओके, कहाँ पर? डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, और सॉलिड हो जाता है। इस प्रकार से जो रॉक की फॉर्मेशन होती है कॉल्ड इंट्रूजिव इग्नियस रॉक, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स पढ़ा हमने, इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स पढ़ लिया, अब दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स का कौन सा एग्जाम्पल है? बेसाल्ट। ओके, जो बेसाल्ट होते हैं ये क्या, किसका एग्जाम्पल है? एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स का। और जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो किससे मिलकर बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक्स से। तो जो हमारा डेक्कन प्लेटू किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स का। ओके, और जब ये क्या होते हैं? धीरे धीरे ठंडे होते हैं। जो मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, वो क्या होता है? बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा होता है, और उसकी वजह से जिसमें जो इसके पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके जो दाने होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बारीक होते हैं। और इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स के अंदर क्या होता है? सॉरी, ये सडनली कूल ठंडा हो जाता है, मैं उल्टा बोल गया इसके बारे में। एक्सट्रूजिव में क्या होता है? ये सडनली ठंडा हो जाता है क्योंकि ये बाहर आ चुका है, अर्थ के सरफेस पे आ गया है, ये सडनली कूल हो जाएगा। ओके, और जो ये इंट्रूजिव होता है ये स्लोली कूल होता है, कूल डाउन स्लोली। ओके, ये धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि अर्थ के सरफेस के अंदर है ना ये, तो ये ठंडा होने में टाइम लगेगा, और जो अर्थ के सरफेस पे आ गया वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो गया ना उसका। तो इसकी वजह से क्या होता है? एक्सट्रूजिव के तो जो दाने होते हैं बिल्कुल बारीक होते हैं, और इंट्रूजिव के अंदर लार्ज ग्रेन्स होते हैं, मोटे मोटे दाने होते हैं इसके। ठीक है, और इसका एग्जांपल कौन सा है? ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ सच रॉक्स। इसका एग्जांपल कौन सा है? ग्रेनाइट। अगर आपसे पूछे ग्रेनाइट किस प्रकार की रॉक्स है, एक तो इग्नियस रॉक्स है और दूसरा इंट्रूजिव रॉक्स है। वो कैसी है? इंट्रूजिव रॉक्स है। तो इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, अगर अब आपसे कोई एग्जांपल पूछता है कि इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल दो, कि इग्नियस रॉक्स कौन कौन सी हैं, तो आप बेसाल्ट रॉक का भी एग्जांपल दे सकते हो और ग्रेनाइट का भी एग्जांपल दे सकते हो, बिकॉज दोनों ही किससे बनी है? मोल्टन लावा से, मोल्टन मैग्मा जो है उसके ठंडा होने से बनी है, इसलिए दोनों कैसी है? इग्नियस है। और बट ये कैसी है? बस ये डिफरेंस है कि ये एक्सट्रूजिव इग्नियस है और ये इंट्रूजिव इग्नियस है। अगर ओनली आपसे पूछता है कि इग्नियस कौन सी है, इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल देना है आपने, तो दोनों बता सकते हो आप, क्योंकि दोनों क्या है? इग्नियस है। बाकी इग्नियस के दो पार्ट है वो एक अलग मैटर है। ओके, अब बची हुई दो रॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? देखो अब रुजिये रॉक्स हैं, ये क्या होती हैं? अब जो इग्नियस रॉक्स है ये बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक सेडिमेंट्स के अंदर टूट जाती हैं, जैसे जो हमारी रॉक्स हैं अब ये लावा के ठंडा होने से ये जो रॉक्स बनी है यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, ये क्या होगा? धीरे धीरे टाइम के साथ, मैंने जब आपको माउंटेन्स पढ़ाए थे, ओके, जो रॉक जो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो मैंने उस टाइम बताया था कि जो माउंटेन्स वगैरह हैं जैसे हमारा अरावली पर्वत है, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है। क्यों डैमेज हो रहा है? मैंने आपको बताया था विंड से, वाटर से, एयर से, छोटे छोटे सेडिमेंट्स के अंदर क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ओके, टाइम के साथ साथ कई हज़ार सालों में, लाखों सालों के अंदर ये धीरे धीरे छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, और जब ये सेडिमेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे तो रिवर वाटर और के फ्लो के साथ उनके साथ बहकर ही क्या हो जाते हैं? एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, द स्मॉलर पार्ट और ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं रिवर की हेल्प से, या वाटर के साथ फ्लो होकर, या किससे? एयर से ट्रांसपोर्ट होकर किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अब मान लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पर ये जो हमारी रॉक है इग्नियस रॉक्स, यहाँ ब्रेक होती है, ये छोटे छोटे सेडिमेंट में ब्रेक हो जाती है, फिर ये वाटर के साथ जब इस पर रिवर वगैरह फ्लो करती है तो इसके साथ ही फ्लो करके इधर आ जाती हैं, और ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई विंड एंड वाटर। विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा ये क्या होते हैं?
ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अब यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर इधर आ गए और इधर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं ये डिपॉजिटेड ओके, इधर आके डिपॉजिट हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद हार्ड होके क्या हो जाते हैं, जब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, अब ये तो है तो हार्ड पार्टिकल्स ही, और हार्ड होके किसकी फॉर्म करेंगे, ये सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस प्रकार से जो रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सेडिमेंट्री रॉक्स किस प्रकार बनती है। तो जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं वो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, टाइम के साथ ब्रेक होती चली जाती हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स के अंदर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं, और जब उसके छोटे छोटे बारीक बारीक सेडिमेंट्स होते हैं वो विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा इस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं और अनदर प्लेस पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो गए और डिपॉजिट होकर क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होने के बाद किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एक रॉक की फॉर्मेशन करते हैं। तो इधर एक अनदर रॉक बन गई, दूसरी रॉक बन गई, इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। आई थिंक सेडिमेंट्री रॉक्स आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इस प्रकार से जिस रॉक का फॉर्मेशन होती है वो कौन सी है, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब जो बारीक बारीक सैंड के दाने होते हैं उनसे टाइम के साथ वो हार्ड होकर क्या बन जाते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, किस रॉक की फॉर्मेशन करते हैं, सैंडस्टोन की, किसकी करते हैं, सैंडस्टोन की ओके। ये सैंडस्टोन का एक रॉक है और ये कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, और इसकी फॉर्मेशन किससे होती है, ग्रेन्स ऑफ सैंड से, किससे होती है, ग्रेन्स ऑफ सैंड से ओके। और वो ग्रेन्स ऑफ सैंड कहाँ से आते हैं, कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक से आते हैं। इग्नियस रॉक क्या होती है, बारीक बारीक या आप समझते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे सेडिमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाती है। ये एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके पता होना चाहिए कि आपको कौन सी रॉक इग्नियस है, कौन सी सेडिमेंट्री है और कौन सी रॉक मेटामॉर्फिक है। डेफिनेशंस तो आपको दो या चार बार लर्न करोगे हो जाएगी, बट ये नाम याद करना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, अभी सैंडस्टोन हो गया, ये तो सिर्फ लिमिटेड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपकी बुक में, काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आप लोगों को ऐसे पढ़ने के लिए। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर या हाई हीट और प्रेशर की वजह से जो इग्नियस रॉक्स हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक्स में। अब ये एक इग्नियस रॉक्स है और ये सेडिमेंट्री रॉक्स है ओके। अब इग्नियस डायरेक्ट भी किस में चेंज हो सकती है, मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकती है हाई हीट और प्रेशर की वजह से, या फिर सेडिमेंट्री किस में चेंज हो सकती है, हाई हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकती है। बट रीजन क्या होगा, हाई हीट एंड टेम्परेचर ओके, सॉरी हाई हीट एंड प्रेशर। ये किस कंडीशन में होती है, हाई हीट और प्रेशर की वजह से क्या होती हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। कौन, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन किससे होती है, या तो इग्नियस रॉक से होती है या सेडिमेंट्री रॉक से होती है, और किस कंडीशन में, अंडर हाई हीट एंड प्रेशर। ये चीज़ ज़रूर याद रखना है अपने। जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो सेडिमेंट्स की वजह से उसकी फॉर्मेशन हुई थी, और जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसकी फॉर्मेशन किससे होती है, अंडर हाई हीट और प्रेशर की वजह से। किसी प्लेस के ऊपर क्या होता है, जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे अत्यधिक प्रेशर हो जाता है लिमिट से ज़्यादा, तो वहाँ पे जो रॉक्स होती है वो किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर चेंज हो जाती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जो क्ले है वो किस में चेंज हो जाता है, स्लेट के अंदर। तो अगर पूछता है किस में चेंज हो गया, स्लेट में, तो स्लेट किसका एग्जाम्पल है, इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स का, और ये किससे बना है, क्ले से बना है। अब क्ले आपको बताना है कि ये इग्नियस है या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स है। क्ले कैसा है, या तो इग्नियस है या सेडिमेंट्री है, क्योंकि या तो ये इग्नियस है या सेडिमेंट्री है, तभी तो इससे स्लेट बनी, और स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक है ओके। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है आप लोगों से चेंज करने के लिए। किसी भी एक रॉक का एग्जाम्पल दे देंगे, पूछेंगे इसके जब ये मेटामॉर्फिक में चेंज होगी तो इससे क्या बनेगा ओके। और लाइमस्टोन है, इससे क्या बनता है, मार्बल बनता है। अगर आपसे पूछे मार्बल किससे बनता है, तो ये लाइमस्टोन से बनता है। और लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस का, सेडिमेंट्री का, ये भी आपको बताना है ओके। ये चलो, इसको अभी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। ये सब चीज़ों के एग्जाम्पल जो ये बता रहा हूँ मैं, लाइमस्टोन वगैरह, ये नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप लोगों को मिलेंगे कि लाइमस्टोन इग्नियस रॉक्स है या सेडिमेंट्री रॉक्स है। बस फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि जो लाइमस्टोन है उससे क्या बनता है, कौन सी रॉक की फॉर्मेशन होती है, मार्बल की फॉर्मेशन होती है, उससे क्या बनती है, मार्बल। और मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है ओके। तो आई थिंक आपका
तीनों रॉक्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक, और हाँ सेडिमेंट्री भी कवर हो गया, मेटामॉर्फिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रॉक साइकिल के बारे में, रॉक साइकिल क्या होती है। अब देखते हैं क्या होता है रॉक साइकिल। अच्छा, रॉक साइकिल से पहले जो रॉक्स होती हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे यूज होता है। देखो, रॉक्स आपको पता है हार्ड होती हैं, तो इनका जो यूज होता है हम रोड्स बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, हाउसेज बनाने में, इनका कंस्ट्रक्शन में इनका इस्तेमाल करते हैं रॉक्स का। ओके, अब रॉक साइकिल देखते हैं, रॉक साइकिल क्या है। जो अभी मैंने आपको बताया कि इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हाई हीट एंड प्रेशर की वजह से किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। ओके, तो जो इस प्रकार से रॉक्स एक दूसरे के अंदर चेंज हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर, जब एक रॉक से दूसरी रॉक्स के अंदर चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। दिस इज नोन एज रॉक साइकिल। ये इमेज आपकी दिखाई दे रही है, आपकी बुक की इमेज है ये। देखो, ये है इग्नियस रॉक्स, ये क्या है, एक इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है। अभी इग्नियस रॉक्स क्या होगी, सेडिमेंट्स के अंदर ब्रेक हो गई, ये देखो छोटे छोटे टुकड़े बन गए इसके, सेडिमेंट्स में हो गई, ये क्या है, सेडिमेंट्स है, बारीक बारीक टुकड़े हो गए इसके। ओके, फिर ये क्या हो जाएगी, सेडिमेंट्स से रॉक्स से भी इकट्ठे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, तो दोबारा किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सेडिमेंट्स, ये सेडिमेंट्स में ब्रेक हो गई थी, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन हो गई। अभी सेडिमेंट्री रॉक क्या करेगी, अंडर हाई हीट और प्रेशर की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से किस में चेंज हो जाएगी, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, ही देखो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। ओके, अगेन ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या होगा, ये दोबारा से अर्थ के अंदर इसका फिर से लावा बन जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये अगेन हाई हीट की वजह से, किसकी वजह से, हाई हीट और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये अगेन फिर से लावा में कन्वर्ट हो जाती है, किस में, मैग्मा के अंदर, किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ये अगेन किस में कन्वर्ट होगी, मैग्मा के अंदर कन्वर्ट होगी, फिर ये मैग्मा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगेन जो मैग्मा है अर्थ के सरफेस पे आएगा, फिर कूल होगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इग्नियस रॉक्स के अंदर, इग्नियस रॉक्स अगेन सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्स फिर अगेन सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, फिर अंडर हाई हीट प्रेशर की वजह से फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो ये साइकिल इस प्रकार से चलती रहती है। अब पता चला आपको जो अर्थ के अंदर लावा आता है वो कहाँ से आ रहा है, लावा आता है इन मेटामॉर्फिक रॉक्स से, ये अंडर हाई हीट और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट होता है, ये मैग्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये थोड़ा सा मैंने आपको अभी आइडिया दे दिया इस चीज़ के बारे में कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये हाई हीट और प्रेशर की वजह से, ये ज़रूरी नहीं है मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, अगर सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, ये भी अंडर हाई हीट और प्रेशर की वजह से, देखो डायरेक्ट किस में, मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है, किस में कन्वर्ट हो सकती है, मैग्मा के अंदर। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये किस में, ये सेडिमेंट्स में भी ब्रेक हो सकती है, और इग्नियस रॉक्स अगेंस्ट डायरेक्ट अंडर हाई हीट और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो सकती है, कोई सी भी एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती है। ये एरो का साइन जिसकी तरफ जा रहा है वो उसके अंदर डायरेक्ट चेंज हो सकती है। अदरवाइज जो कंप्लीट साइकिल थी ये इस तरीके से, वो साइकिल मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो आई थिंक आप रॉक साइकिल के बारे में समझ गए होंगे कि रॉक की फॉर्मेशन कैसे होती है, रॉक साइकिल क्या होता है। अब लास्ट है इसके बारे में, जो मिनरल्स के बारे में आपकी बुक के अंदर इसमें ज़्यादा डिटेल में दे नहीं रखा था, इसलिए मैंने मिनरल्स का कुछ रखा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक सेपरेट अलग चैप्टर आएगा कंप्लीट, तब डिस्कस करेंगे। बाकी जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल अकरिंग होते हैं, मतलब प्रकृति से मिलते हैं हमको, अर्थ से मिलते हैं, हमने तो उनको बनाया नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम उनको अर्थ से निकालते हैं और अपने यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके उनका इस्तेमाल करते हैं। बाकी उनकी कुछ अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मोस्टली तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और कुछ फ्यूल्स के तौर पे भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, वो भी मिनरल्स ही हैं, उनका एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हैं आपके मिनरल्स के, कोल हो गए, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। ओके, कुछ और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले मिनरल्स कौन कौन से हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम वगैरह हो गया, और कुछ फर्टिलाइजर्स भी मिलते हैं हम लोगों को जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। बाकी मिनरल्स के बारे में मैंने इसलिए कुछ नहीं रखा ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं था खास बुक के अंदर, और एक्स्ट्रा हम लोगों ने कुछ रखना था नहीं। तो अब जब भी आएगा टॉपिक मिनरल्स के में तो कंप्लीट में डिस्कस करेंगे उसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये जो चैप्टर हमने अभी डिस्कस किया क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है इसके अंदर तो ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में करके। देखो, कुछ भी अच्छा अगर आपको लगता है तो तब भी ज़रूर बताना यार कि ठीक है। अगर कुछ कमी लगती है, आप लोगों को लगता है कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तब भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट ज़रूर करना है, सही है गलत जो भी आपको लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं इस चैनल पर उसका
नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।